और मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। जो पुलिस टीम आई मैंने उनसे बार बार कहा, क्योंकि हमारे सिख धर्म में अपने घर के बाहर नंगे सिर नहीं जाया जा सकता, ये हमारी रहत मर्यादा के अंदर है, जो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दी गई रहत मर्यादा है, कोई भी सिख नंगे सिर अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। मैंने उनको कहा कि मुझे पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का, सिर ढकने का कुछ मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा अब सर तेरा तो पंजाब में जाकर ढकवाएंगे। उनकी जो एक लेडी ऑफिसर साथ में आई थी उसने कहा कि बांध लेने दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा करे इसका सर तो आप बताएंगे, वहां पे पंजाब में जाकर ढकवाएंगे हम। मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चीज पे नोटिस दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है जो दोषी पुलिस अफसर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, माइनॉरिटी कमीशन का, जिन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चिंता। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेत भी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डालना था, आपने ये चुनाव के अंदर वादा किया था, लेकिन आप ही के विधायक ने जो उस समय SIT कमेटी के सदस्य थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया था और आप उनका नाम बार बार लेते थे, जो आपके अमृतसर के विधायक है, ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेद भी करने वालों को बचाया आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सराखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेद भी की, नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा। और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की फौज और पंजाब के सारे मंत्रियों की फौज टीवी पर ला दी मेरे खिलाफ, ये दर्शा दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप FIR करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेद भी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेद भी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। और मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। जो पुलिस टीम आई मैंने उनसे बार बार कहा, क्योंकि हमारे सिख धर्म में अपने घर के बाहर नंगे सिर नहीं जाया जा सकता, ये हमारी